हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम सीक्वेंस। अगर सिंक्रोनस काउंटर में आपको रैंडम सीक्वेंस डिज़ाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? रैंडम सीक्वेंस लाइक ज़ीरो, ज़ीरो के बाद वन आ गया, फिर थ्री आ गया, फोर, फाइव, सेवन। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। सेवन के बाद ज़ीरो वापस आ रहा है, तो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। बस आपको एक दो चीज़ों का ध्यान देना है। तो स्टेप वन, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो हाईएस्ट नंबर होगा सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पर सेवन है, उसमें आपको वन ऐड करना है, तो वो मॉड का नंबर बनेगा। सो दैट इज बेसिकली योर मॉड एट, जीरो से सेवन। बीच में स्टेट स्किप होती रहें, आपने हाईएस्ट नंबर देखना है सीक्वेंस में क्या है, उसमें वन ऐड करना है, दैट बिकम्स योर मॉड। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0, 1, 5, 10 है, तो आपने ऐसे नहीं देखना कि चार स्टेट्स हैं, आपने देखना है कि ये 10 तक जा रहा है। सो इसलिए ये क्या बनेगा, 10 में 1 ऐड करोगे तो मॉड 11 काउंटर, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर कितने चाहिए होंगे, चार। ठीक है, इसीलिए 7 में 1 ऐड किया तो इट बिकम्स व्हाट, मॉड 8। तो मॉड 8 हो गया ये। सो नाउ द फॉर्मुलेशन इज 2 रेज टू पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन, तो स्मॉल एन कितना आ गया आपका, 3। ओके, उसके बाद मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप, स्टेट डायग्राम कुछ नहीं है, वो जो सीक्वेंस है 0, 1, 3, 4, 5, 7, वंस आई नो कि हाँ मुझे तीन फ्लिप फ्लॉप यूज करके बनाना है, तो वो क्या हो गया, 000, 001, 011। ये कुछ नहीं, ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 7 का, एंड देन बैक टू 0। ओके, तो जो सीक्वेंस है क्वेश्चन में, स्टेट डायग्राम में, उसी का बाइनरी सीक्वेंस लिखा है। बनाना किस फ्लिप फ्लॉप से है, टी फ्लिप फ्लॉप से। सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बेटर है अगर आपको एक्साइटेशन टेबल डायरेक्टली याद हो। सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर स्टेप नंबर 4। ये कल भी मैंने बताया था, फर्स्ट यू हैव टू राइट प्रेजेंट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट, और कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तीन फ्लिप फ्लॉप, तो टी ए, टी बी, टी सी। ठीक है, ये आपके तीन फ्लिप फ्लॉप्स हो गए। ओके, नाउ स्टेट डायग्राम पे फोकस करिए। ओके, स्टेट डायग्राम में 000 के बाद 001 आता है, इसको आपने ध्यान रखना है, बिकॉज इसी को तो हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट स्टेट में जो कि क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी है, मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स लिख ली तीन फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग, कि हाँ ये 0 से 7 तक चलना है, यानी 8 स्टेट्स, 000, 001, 010, 011, 100, सो ऑन। अब इनकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो आपने उठानी है स्टेट डायग्राम से। जैसे 000 के बाद क्या आ रहा है, 001, लेकिन 001 के बाद 2 नहीं आ रहा, 010 नहीं आ रहा, वो क्या रहा है, 3। बस इस चीज का ध्यान रखना है जैसा सीक्वेंस में गिवन है। अब देखिए, 000 के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेट क्या लिखी, 001, 001 के बाद क्या आ रहा है, 3 स्टेट डायग्राम में, तो मैंने लिखा 011, लेकिन 2 के बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर आप स्टेट डायग्राम देखें, 2 तो है ही नहीं यहां पे, तो अगर 2 नहीं है तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, डोंट केयर, दैट्स इट। इस चीज का ध्यान देना है, बस यही डिफरेंस है मॉड 6 और इसमें। अब 011 के बाद आपको पता है स्टेट डायग्राम में देखिए क्या है, 100, 100 के बाद हमें पता है 101 के बाद हमें पता है 111, लेकिन 110 है ही नहीं सीक्वेंस में, 110 सिक्स्थ स्टेट जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, तो आप उसकी जगह क्या कर देंगे, डोंट केयर, और 111 के बाद बैक टू 000। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर टी ए, टी बी, टी सी कैसे भरने हैं, ये ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन क्यू ए और क्यू ए प्लस 1, बस इन दोनों पर ध्यान दीजिए, QA, QA प्लस 1। जब ये दोनों 00 हैं तो एक्साइटेशन टेबल में आपका क्या होता है, T 0, तो मैंने TA क्या भर दिया, 0। ओके, सेम ऐसे ही A वाला भरना है आपने पूरा, सिर्फ QA और QA प्लस 1 पे ध्यान दीजिए, जहां पर 0 क्रॉस होगा, ये 0 क्रॉस। अब ये तो एक्साइटेशन टेबल में कोई है ही नहीं स्टेट कि 0 क्रॉस के करस्पॉन्डिंग टी क्या होगा, तो वहां पर आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, 0 क्रॉस के करस्पॉन्डिंग डोंट केयर, बात खत्म। सेम गो फॉर क्यू बी, 00 पर
आपका टीबी क्या होता है? जीरो. सेम गोज फॉर योर क्यूसी, दैट इज 0-1. उसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन टेबल देखेंगे तो क्या है? 1. ऐसे ही आपने टीए भरना है, ऐसे ही आपने टीबी भरना है, ऐसे ही आपने टीसी भरना है. बस यही डिफरेंस था. ओके और जहां पर आपका क्रॉस आ जाएगा, लेट्स से इफ वी हैव 1 क्रॉस, तो ये एक्साइटेशन टेबल में ऐसा कुछ नहीं है स्टेट, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या लिख देना? डोंट केयर. सो आफ्टर मेकिंग टीए, टीबी, टीसी, यू पीपल हैव टू मेक 3K मैप्स. ये आप खुद भी बना सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल. स्टार्टिंग विद टीए, के मैप बनेगा किसके लिए? क्यूए, क्यूबी, क्यूसी. स्टेट डायग्राम हमेशा प्रेजेंट स्टेट्स के लिए बनता है, नेक्स्ट स्टेट को कंसीडर नहीं करना. तो मैंने टीए के लिए बनाया, जिन जिन प्लेसेस पे 1 और डोंट केयर थे वो मैंने भर लिए. ओके सो विल गेट टीए एज क्यूबी. नेक्स्ट टीबी, सेम जिन जिन प्लेसेस पे 1 और डोंट केयर थे वो मैंने रख लिए. ओके सो यू गेट क्यूसी. उसके बाद टीसी, अगर मैं टीसी की बात करूं तो यहां पर 2-4 वाले ग्रुप बन रहे हैं. एक पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है. ओके सो उसके करस्पॉन्डिंग यू विल गेट क्यूबी प्लस क्यूसी बार. कि मैम आप बना लेंगे, है ना? ये सोल्यूशन भी गिवन है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है. लास्ट स्टेप है इंप्लीमेंटेशन. इट्स वेरी सिंपल. आई नीड 3 फ्लिप फ्लॉप्स, सो टी ए, टी बी, टी सी. सिंक्रोनस काउंटर की बात हो रही है, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड विद द सेम क्लॉक. अब टी ए पे क्या आ रहा था? क्यूबी, तो क्यूबी यहां से डाल दिया. टी बी पे क्या आ रहा था? टीबी पे आ रहा है आपका क्यूसी, ये हमने क्यूसी डाल दिया, सिंपल. और टीसी पे क्या आ रहा था? क्यूबी प्लस क्यूसी का बार, तो यहां से क्यूबी पिक किया, यहां से क्यूसी बार पिक किया, इन दोनों को डाला और गेट में, एंड यू विल गेट व्हाट? क्यूबी प्लस क्यूसी बार. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब ऐसे कोई भी रैंडम सीक्वेंस आ जाएगा आप कर लेंगे. बस इस बात का ध्यान रखिएगा, पहली चीज ये, हाइएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, हाइएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको मॉड डिसाइड करना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. और दूसरी चीज, जोन सी स्टेट्स नहीं है स्टेट डायग्राम में, उनके करस्पॉन्डिंग डोंट केयर लिखना है. थैंक यू गाइज़.